सब्सक्राइब कीजिए जीएनएस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। दोस्तों 10-12 दिन तक मेरा कोई वीडियो नहीं बना क्योंकि मैं सख्त बीमार था। आपकी दुआएं, आपका प्यार और आपके अच्छे कमेंट्स ही मुझे दोबारा वापस किया आप लोगों के सामने। आपको तहे दिल से शुक्रिया। तो आज मैं गाइज जो कंजंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, कंजंक्शन, जैसा कि कंजंक्शन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि संयोजक अव्यय होता है, तो कन प्लस जंक्शन। कन मीन्स होता है टुगेदर और जंक्शन मीन्स टू ज्वाइन। तो कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेज। जो दो शब्दों को, फ्रेज को, क्लॉज को, वाक्यों को जोड़ता है वह कंजंक्शन कहा जाता है। तो कंजंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और करेलेटिव कंजंक्शन। तो चलिए आज मैं करेलेटिव कंजंक्शन के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। हर के बारे में बताना बड़ा मुश्किल काम है इतने कम समय में। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जो पेयर्स में आते हैं, जो जोड़े में आते हैं। जो हमने 18 जो ऐसे पेयर्स ऑफ कंजंक्शन हैं जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, मैंने यहाँ लिखा है आपकी सुविधा के लिए। तो हम बिगिनिंग करते हैं। जैसे फर्स्ट है सो एज, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। इट इज नॉट सो हॉट टूडे एज इट वॉज यस्टरडे, कल जितनी गर्मी थी आज उतनी गर्मी नहीं है। तो एज यह नेगेटिव सेंटेंस में आता है। यह एक तरह से सिमिली है, यानी सिमिली जो एक कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द सेम दैट, मतलब बिल्कुल वही। दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, यह वही पेन है जिसे कल मैंने खरीदी थी। नेक्स्ट है सच एज, सच बॉयज एज डोंट वर्क हार्ड फेल, सच एज ऐसे लड़के जो मेहनत नहीं करते हैं असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बोथ एंड, मतलब दोनों, ही इज बोथ लेजी एंड डल, वह आलसी और सुस्त दोनों है। गाइज आप ध्यान रखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन में अगर इसमें दो वर्ड्स आते हैं जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, तो जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले, मतलब कि आप फर्स्ट वर्ड रखेंगे ठीक उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले जो सेकंड पार्ट रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही नॉट ओनली अब्यूज्ड यू बट ऑल्सो बीट यू, वह तुम्हें केवल गाली ही नहीं दी बल्कि मारा भी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल नहीं बल्कि, आप देखते हैं अब्यूज्ड वर्ब है, इससे पहले नॉट ओनली आया है और बीट भी वर्ब है, इससे पहले बट ऑल्सो आया है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट है आइदर और, आइदर और दो में से कोई एक होता है। आइदर राम और मोहन इज गिल्टी, या तो राम दोषी है या तो मोहन दोषी है। तो आइदर और के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज हमने किया है, आइदर और दो में से कोई एक तो सिंगुलर ही होगा। इसी प्रकार नाइदर नॉर, दोनों में से कोई नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन नाइदर भी है नीदर भी है, आपकी मर्जी जो करें। तो नाइदर नॉर, नाइदर ही नॉर यू आर गिल्टी, न तो वह दोषी है न तो तुम ही। तो नाइदर और आइदर हुआ। अब टू टू, तो ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता। तो इट मीन्स ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। तो सो दैट का भी सेम मीनिंग होता है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट रन, दैट ही कैनॉट रन, वह इतना थका हुआ है कि वह दौड़ नहीं सकता है। अब दो येट, दो येट भी यह एक तरह से जो दो विपरीत गुण हैं उसको जोड़ता है।
कैसे दो ही इजरिस, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह बेईमान है, येट ही इज डिजोनेस्ट। अमीर आदमी को ईमानदार होना चाहिए लेकिन बेईमान है, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट आ चुका है, दो येट। नेक्स्ट है नो सुनर देन, तो नो सुनर देन यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद याद रखेंगे नो सुनर के बाद हमेशा एक्जिलरी वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी या चल चुकी थी। तो नो सुनर के बाद आपने देखा कि उसके बाद एक्जिलरी वर्ब लगाएंगे पास्ट में और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हार्डली व्हेन, तो हार्डली व्हेन व्हेन और स्कार्सली व्हेन, इसका ही मतलब ज्यों ही त्यों ही होता है, ठीक है। आई हैड स्कार्सली रीच्ड होम व्हेन इट बिगन रेनिंग, जैसे ही मैं घर पहुंचा बरसा होने लगी, ठीक है। इसे हम यूं भी बोल सकते हैं एज सून एज आई रीच्ड होम इट बिगन रेनिंग। तो हार्डली व्हेन का जो फंक्शन है वही स्कार्सली व्हेन का भी फंक्शन है। आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन इट बिगन रेनिंग, तो हार्डली व्हेन स्कार्सली व्हेन सेम मतलब होता है। आप अपना इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करिए, ऐसे वर्ड बहुत ही जोरदार कहे जाते हैं। अब नेक्स्ट है एज एज, एन एप्पल इज एज गुड एज अ पियर, सेब उतना ही अच्छा है जितना कि नाशपाती, दो समान गुणों को जोड़ता है। राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, तो ठीक है। एज 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 सो, जैसा एज यू शो शो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। तो एज यू जैसा वैसा एज सो का मतलब होता है, एज यू शो सो शैल यू रीप। नेक्स्ट है एंड टू, ही इज एन एक्टर एंड स्पीकर टू, वह अभिनेता और वक्ता भी है। तो इस तरह से एंड टू का वेदर और चाहे जो भी हो, वेदर और आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे, मैं परवाह नहीं करता चाहे तुम जाओ या ठहरो, आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे हियर, ठीक है। तो चाहे होता है वेदर और, याद करेंगे आप रेदर देन आई वुड रेदर डाई देन बैग, मैं मांगने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। तो रेदर देन का भी इस्तेमाल बहुत होता है, आप इसे यूज कर लें गाइज, और ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।